हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। मैं आप लोगों को करा रहा हूँ BPSC PRT एग्ज़ाम की तैयारी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1830। इसे पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संख्या 29 और 29 का शतांक को लिखा जाता है। सबसे पहले 29 का शतांक ये क्या होता है समझिए। 29 का शतांक, 29 का शतांक मतलब होता है 29/100। ठीक है, 29 का शतांक मतलब कि 29/100। जैसे 5 का शतांक, 5 का शतांक क्या होता है 5/100। ठीक है, बस 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, संख्या 29 और 29 का शतांक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो 29 तो हो गया प्लस 29 का शतांक, 29 का शतांक मतलब 29/100। इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 29 प्लस 29/100 है तो ये क्या आएगा आपका 0.29 आएगा। 29 में 100 से भाग करेंगे तो 0.29 आएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो ये आएगा 29.29। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। 29 और 29 का शतांक को क्या लिखा जाता है 29.29। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 29.29। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो आपको बताना है sec थीटा माइनस tan थीटा का मान। इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला है वो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस रूप में है ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर अगर मार लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी प्रकार हो जाएगा sec थीटा प्लस थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे कोष्टक में sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर 1। अब देखिए आपको क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा का मान दिया गया है, इसका मान आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे P। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P। ठीक है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, आपको निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा इसका मान। तो P को उधर भेज देंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर ये आ जाएगा 1/P। ठीक है, तो क्या मान आ गया आपका 1/P। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/P। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यदि दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक 3, 4 और 6, 8 हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी पूछा गया है। ठीक है, ए और बी, ए का निर्देशांक है आपका 3, 4, बी का निर्देशांक है आपका 6, 8, इनके बीच की आप लोगों को दूरी बताना है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते होंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 y1 y2 ये क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये है आपका x1 और ये है आपका y1, यहाँ पे x2 है, ये है आपका y2। बस आप लोगों को मान रख देना है। ठीक है, तो मान रख दीजिए, x2 का मान क्या है 6 है, x1 का मान 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 है, y1 का मान 4 है होल स्क्वायर। ठीक है, हल कर लीजिए, अंडर रूट 6 माइनस 3 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9
आठ माइनस चार, चार बचेगा, चार का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये बनेगा आपका अंडर रूट 25, तो यानी 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है 5 इकाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जियो बोर्ड, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? पहला दिया गया है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण, तो ये तो आपका गलत है। बी है सममिति की अवधारणाएं, ये भी आपका गलत है। सी दिया है ज्यामिति आकृतियों और उनकी विशेषताएं, तो ये आपका सही है। जियो बोर्ड जो है ज्यामिति आकृतियों और उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है, ठीक है। और डी दिया है नन, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, तो यानी ये तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ज्यामिति आकृतियों और उनकी विशेषताओं का एक प्रभावी साधन है, ठीक है, जियो बोर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1 जून 2020, 1 जून 2020 को सोमवार था, तो 1 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 जून 2020 दिया गया है, 1 जून 2020, और पूछा गया है आपको 1 जून 2021 इस डेट पे कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो तारीख है वो सेम है, 1 जून 1 जून, बस 2020 से 2021 हो गया। जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सोमवार दिया गया है, इसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब कि सोमवार के बाद, सोमवार के एक दिन बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा? मंगलवार, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा मंगलवार होगा। जैसे फिर से देखिए, जैसे अगर दिया गया है 5 मई 2018, आपको पूछा जाए 5 मई 2019, 5 मई 2018 को मान लीजिए मंगलवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब मंगलवार से एक ज़्यादा वेडनेसडे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया मंगलवार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैंने ऑलरेडी कैलेंडर ट्रिक्स पढ़ाई हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक विद्यालय में एक छात्र के अंक 75 की बजाय 125 गलती से अंकित हो गए, इस त्रुटि के कारण विद्यालय में छात्रों का औसत 1/5 बढ़ जाता है, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अब इसमें दिया गया है औसत में वृद्धि 1/5 हो जाती है, तो औसत आपको निकालते कैसे हैं? यहाँ पे दिया गया है औसत में वृद्धि 1/5 हो जाती है, ठीक है। तो औसत में वृद्धि 1/5 हो जाती है, तो अब ये औसत आया कैसे, देखिए ध्यान से। अब औसत में वृद्धि कैसे निकालेंगे? गलत संख्या माइनस सही संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, देखिए गलत संख्या इसमें क्या है, 125 है, क्योंकि उसको अंकित करना था 75, लेकिन उसने 125 अंकित कर दिया, तो गलत संख्या कौन सी है? 125। सही संख्या क्या है? 75। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लोगों को निकालना है, ठीक है। मान लीजिए मैं एस लिख देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे 1/5, तो इसे हल कर लेंगे, आप लोगों का निकल जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 0, 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे 1/5, तो आप लोगों के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी? 50/5, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 50/5 250, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट आपका कितना निकल जाएगा? 250 स्टूडेंट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? औसत में वृद्धि ये आपको दिया गया है,
औसत में वृद्धि क्या है, 1/5। और औसत में वृद्धि निकालेंगे कैसे, गलत संख्या माइनस सही संख्या और नीचे कुल विद्यार्थियों की संख्या, नीचे आप क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो 125 माइनस 75 और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 विद्यार्थियों में, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 250। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में आई क्यू और आई आर, आई क्यू और आई आर कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक हैं, तो कोण क्यू पी आर का मान, ठीक है, कोण क्यू पी आर यानी इसका मान आप लोगों को पूछा है, तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे आपका होगा कोण क्यू आई आर बराबर 90 प्लस कोण क्यू पी आर बटे 2। ठीक है, जब भी आप लोगों को इस टाइप का त्रिभुज मिले तो आप लोगों को ये याद रखना है, इस कोण के बराबर क्या होगा, कोण क्यू पी आर बटे 2 प्लस 90 प्लस कोण क्यू पी आर बटे 2। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे आपका कोण क्यू पी आर बटे 2 हो जाएगा। 110 माइनस 90 करेंगे 20 आएगा, कोण क्यू पी आर बटे 2। ठीक है, यहाँ से आपका कोण क्यू पी आर का मान आपका आ जाएगा, 20 में 2 का गुणा कर देंगे 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान जो आएगा 40 आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक सम बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, सभी अंतःकोणों का योग क्या हो। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे सम बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, n-2 × 180। सम बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 × 180 होता है, जहाँ पे n क्या होता है, n मतलब जितनी भुजा दी गई है, n का मान नंबर ऑफ साइड यानी कितनी भुजा दी गई है, 8-2 × 180। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 6 × 180 गुणा कर देंगे, 180 में 6 का गुणा करेंगे, 18 × 6 = 108 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1080। ठीक है, तो एक समभुज में 8 भुजाएं हैं, सभी अंतःकोणों का योग क्या आ गया, 1080 अंश। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यदि संख्या आपको यहाँ पे दी गई है, बोला गया है यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है, यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे अगर संख्या 156 है, अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, तो इसमें जितने भी अंक हैं उसको जोड़ देंगे, 1, 5, 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। अगर जोड़ कर देखते हैं तो यहाँ पे 12 आ रहा है, अब ये 12 जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, फिर से समझिए, जैसे 87 है, अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, 8 + 7 = 15, अब 15 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए 87 भी आपका 3 से कट जाएगा। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे संख्या दी गई है 7, 8, 4, 3, 2, x, 5, तो संख्या में सभी अंकों को जोड़ देंगे, 7 + 8 + 4 + 3 + 2 + x + 5। ठीक है, जोड़ दीजिए, और भाग करना है किससे, 3 से, 3 से कट जाना चाहिए, जोड़िए, 8, 7, 15, 4, 19, 3, 22, 2, 24, 5, 29 + x + 3 / 3। अब देखिए आया है आपका 29 + x, ये संख्या है आपका, अब x के जगह कौन सा मान रखेंगे कि 3 से कट जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है 1, तो 1 रखते हैं तो आपका क्या आएगा, 30। अब 30 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 1 तो आपका सही है। अगर 4 रखते हैं तो 29 × 4 = 33 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये आपका गलत है। 2 रखेंगे, 29 × 2 = 31, ये भी नहीं कटेगा।
पाँच रखेंगे 29 पाँच 34 होगा, ये भी 3 से नहीं करेगा, यानी एक रखने पर 3 से कट जाएगा, 29 प्लस 1 3, अब 3 से कट जाएगा, तो यानी x का मान क्या होगा, 1 होगा। यही आपको निकालना है, x का मान 1 रखने पर 3 से कट जाएगा, यानी x का न्यूनतम मान क्या है, 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, p का 1/3 का 2/5 का 50% मान 60 है, तो p का मान है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया गया है p का 1/3, p का 1/3, फिर दिया गया है का 2/5, फिर दिया गया है का 50%। अब यहाँ पे देखिए 50% लिखा है, इसे भी आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 50% का मतलब 50/100 काट देंगे, यानी ये आपका आएगा 1/2, तो यहाँ पे आप लोग 1/2 लिख दीजिए, 50% मत लिखिए, 1/2 लिखिए, क्योंकि सभी फ्रैक्शन में है। अब इसे हल कर लीजिए, दिया गया है पी का 1/3 का 2/5 का 50% यानी 1/2, मान जो है 60, यानी इसका मान जो है 60 के बराबर है, इसे ही हल करना है। तो का मतलब गुणा होता है, 1/3 गुणे 2/5 गुणे 1/2 बराबर 60, ठीक है, हल कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, ठीक है, पी का मान 60 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 16 90, यानी पी का मान आपका आएगा 900, ठीक है। आपको पूछा भी गया है पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान आपका हल करने पे क्या आया है, 900, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 900। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने के लिए 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है, और ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य पूछा गया। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य है एक्स, अब खरीदा गया है एक्स में, अब इसे 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ मतलब एक्स का 120% निकालेंगे, अब ये मान किसके बराबर होगा, 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर दिया गया है 40% की छूट, तो 40% की छूट है, यानी 400 का निकालेंगे 60%, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, जब खरीदा गया है एक्स में, अब इसे बेचना है 20% लाभ पर, तो एक्स का 120%, ठीक है, एक्स का 120% हो जाएगा, एक्स गुणे 120/100 बराबर, अब ये मान किसके बराबर होगा, 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% की छूट है, इसलिए 400 का 60% निकालेंगे, क्योंकि 40% तो छूट है, अब इसे ही हल कर लेंगे, आपका एक्स मान आ जाएगा 100, 100 से कट जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा 400 गुणे, यहाँ से भी काट सकते हैं, 60 दूनी 120, ठीक है, फिर से देखिए यहाँ से इसे काट देंगे, 60 दूनी 120, तो 2 उधर जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक्स का मान क्या आएगा, 200, ठीक है, क्रय मूल्य आपका क्या आएगा, 200, ठीक है। फिर से देख लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स है, अब इसे बेचना है 20% लाभ पर, यानी एक्स का 120% निकालेंगे, ये तो हो गया, अब ये मान किसके बराबर होगा, दिया गया है क्वेश्चन में अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, तो 400 यही अंकित मूल्य है, 40% की छूट है, यानी 40% की छूट है 100 - 40/100, यानी यहाँ से 400 × 60/100, और यहाँ से एक्स गुड़े 120/100, तो यहाँ से हल कर लेंगे, एक्स का मान आपका आ जाएगा 200, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 29, गणित एक विज्ञान है, ऑप्शन ए स्थान का, गणनाओं का, शिक्षा का, मानव जीवन का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गणनाओं का, गणित जो है एक गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 10 गुना हो जाएगी, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 10 गुना हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बेस्ट तरीका है, इसके लिए एक फार्मूला होता है,
दर गुणे समय बराबर, अब जितने भी गुना दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे गुना माइनस वन और गुणे सौ लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए यही फार्मूला होता है, दर गुणे समय बराबर गुना माइनस वन गुणे सौ। और ये कब यूज करेंगे, जब आपकी ब्याज जो है साधारण ब्याज हो, ठीक है, ब्याज साधारण होना चाहिए तब ये यूज करेंगे, दर गुणे समय, ठीक है, बराबर गुना माइनस वन गुणे हंड्रेड। तो दर कितनी दी गई है आपकी 10, समय आपको पूछा गया है टाइम, कितने गुना हो जाएगी 10 गुना होना हो जाएगी माइनस वन गुणे सौ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे टी बराबर 9 गुणे सौ, ठीक है, 10 से काट देंगे 10 दहा में 100 होता है, तो टाइम निकल जाएगा आपका 9 दहा में 90 वर्ष, ठीक है। यही आपको निकालना भी था, कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी 90 वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 90 वर्ष, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वन के, ठीक है। इनमें मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट दो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।